ग्रैंड फिनाले है जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की फीलिंग्स हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ, एक बहुत ही सुपर हिट शो जो हम सबको उसका हिस्सा बनकर बहुत खुशी हुई है। मुझे पता नहीं था कि ये शो इतना ज़्यादा, इसकी मैसिव रीच है। इस देश का, सिर्फ इस देश का ही नहीं, आई थिंक दुनिया का हर बच्चा इसको देखता है, बड़े इसको देखते हैं, बुज़ुर्ग इसको देखते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मॉल में वहाँ पे लोग खतरों के खिलाड़ी देखते हैं। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये शो देखने के लिए बहुत मज़ा है, करने के लिए उतना मज़ा नहीं है। करते वक्त मुझे उतना पर्सनली मज़ा नहीं आता, बिकॉज इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी टैक्सिंग शो, बड़ा मुश्किल शो है ये फिजिकली। बट आज हमारा फिनाले है, couldn't have asked for a better show, better team, and बहुत खुशी हो रही है। Okay, एक बिग बॉस, एक बिग बॉस का भी एक फिनाले था जी, और एक आज इसका फिनाले है, तो कहाँ ज़्यादा नर्वस थे आप? मैं नर्वस ना वहाँ था ना यहाँ हूँ, बिकॉज जो होना होता है वो होता है। ये होता तो अच्छा होता, वो सब मैं सोचता नहीं हूँ, जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, एंड अगर होना होता तो हो जाता। That's all that I always believe. के मुकाबले इस बार कंपटीशन काफी टफ रहा है राहुल, जी, you know, कंटेस्टेंट काफी टफ रहे हैं, आपको कौन टफेस्ट कंपटीटर? मेरे हिसाब से सबसे टफेस्ट कंटेस्टेंट है, सबसे सॉलिड है, वो एक लड़का है राहुल वैद्य। तो मुझे लगता है वो सबसे कमाल का उसने परफॉर्म किया है, एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट परफॉर्मर इन द शो। तो आपको क्या लगता है कौन से देगा? अगर विनर की अगर बात करें तो सॉरी, रोहित शेट्टी ने कहीं ना कहीं हल्का सा खुलासा कर दिया है जी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित सर ने खुलासा कर दिया, ऐसा कुछ हमें लगा है रियली नहीं, तो मैं अभी सर से जाके पूछता हूँ, सर हमें भी बताइए कि क्या है। आई थिंक खुलासा अभी होने ही वाला है थोड़ी देर में। चलो, बट थैंक यू गाइस। राहुल 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 दिव्या के ऊपर